पानी कोई भी नहीं लाया। पानी लाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन आज मैं अपना तीर कमान लेकर नहीं आया। एक बार गांव में पानी का अकाल पड़ गया, सब लोग मेरे पास आए, आधी आधी पानी ला दो। मैंने तीर कमान निकाला और धरती पे चला दिया, और तीर धरती में इतना नीचे गया कि पानी ऊपर आ गया, और इतना पानी निकला कि सात समंदर बन गए। आज पता चला समंदर कैसे बने। लगता है कोई जंगली घोड़ा मुसीबत में है। तुम लोग रुको, मैं देख के आता हूँ। शिवा, जंगल में भूत होते हैं, वहाँ मत जाओ प्लीज। भूत से बच भी गए तो जंगली जानवरों से नहीं बचोगे, जंगली जानवरों से बच भी गए तो एलियन से नहीं बचोगे, वो भी जंगल में होते हैं। चलते हैं। निकाल दूंगा। थैंक यू बच्चे, तुमने हमारा काम कर दिया। यह गड्ढा हमने ही बनाया था इस काले घोड़े को पकड़ने के लिए। आजाद घोड़ा है, इसे आजाद ही रहने दीजिए। अगर आपको कोई बांध के ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? अबू, ये देखो आजकल के बच्चे कितने भाषणबाजी करते हैं। ये सब टीवी का असर है। आप उसे छोड़ दीजिए वरना। ए बच्चा, अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। ये बच्चा मारता है। शैतान कहीं के साबू, इसे सबक सिखाओ। तेरे इतनी हिम्मत की बाबू को मारा। थैंक यू दोस्त। थैंक्स अगेन दोस्त। आओ, मैं तुम्हारे गले से ये रस्सी निकाल दूँ।
क्या हुआ? एक बहुत सुंदर काला घोड़ा शिकारियों के ट्रैप में फंस गया था। मैंने शिकारियों से उसे लड़के छुड़ा दिया और वो भाग गया। वो शिकारी कहाँ है? उसी गड्ढे में जिसमें ब्लैक हॉर्स था। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद एक दिन उसी गड्ढे में गिर जाता है। अरे हमारा इंतजार तो करना था, मैं उस घोड़े पे सवारी करता। उस पे सवारी करना बहुत मुश्किल काम है, वो जंगली घोड़ा है। मैंने उसे बचाया फिर भी मुझे अपने पास तक नहीं आने दिया। वो सचमुच एक तूफान की तरह भागता है। हम उसका नाम तूफान रखेंगे, फिर कभी मिला तो तूफान कहकर ही बुलाएंगे। खाओगे? ये लो। डरो मत, हम दोस्त हैं, डरो मत। We are friends, दोस्त। तो तुम नहीं मानोगे, हॉर्स राइडिंग विदाउट सैडल इज वेरी डेंजरस।